अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और आज जो है ना मयूबगढ़ के एक और बाड़े में मौजूद हैं, जहां पर मैं आपको दिखाने वाली हूं बहुत सारे बैल हैं, बछिया हैं, बहुत सारे जानवर बंधे हुए हैं और खूबसूरत से दुम्बे भी बंधे हुए हैं। आज मैंने देखा ये खूबसूरत सा दुम्बा दिखाएँ, ये देखें इसकी दुम बड़ी प्यारी है। ये देखें, सुनिए बनाई होगी इसकी दुम। हाँ बनाई होगी। ये देखें इसकी दुम, देखें इसकी दुम, देखें कितनी प्यारी है। और बहुत सारे दुम्बे और भी हैं जो वहाँ पर बंधे हैं जो हम आपको दिखाएंगे। और जो ना ये बहुत बड़ा वो है, मज़ेदार सा नहीं होता है, जैसा लग रहा है लिहाफ टाइप का। ये देखें मैं हाथ लगा के दिखाती हूँ आपको, बड़ा मज़े का है, जैसे लिहाफ नहीं होता उसका। ये था और इसके ऊन से ही जो है ना वो चीज़ें बनती है। तो हम आपको बाड़े का जो है ना वो विज़िट करवाते हैं और दिखाते हैं कि कौन सी रेंज के, नॉर्मल रेंज के, ज़्यादा रेंज के जो भी जानवर है वो हम आपको दिखाते हैं। और यकीनन आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, आप लोग चैनल सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। तो मेरे साथ साथ आज ये भी बोल रहे हैं, तो साथ साथ रहिएगा, अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग जो है वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग के सपोर्ट के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकती, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे ताकि मैं आगे जाऊँ और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ जो है मैं आपको बना बना के दिखाती रहूँ। अच्छा, कुछ लोगों ने पूछा कि कहाँ से आप, तो मैं आपको बताती हूँ कि हम कराची से हैं और कराची में जो है वो कराची की ही जो मंडी है, जो एरियाज़ में अब लगना शुरू हो रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये वाला जो बाड़ा है वो साला साल का है शायद बाड़ा जो है ना, तो यहाँ पर जानवर अब कुर्बानी के लिए भी आ रहे हैं, बाकी साला साल भी बनते रहते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं आगे कि कैसे कैसे जानवर अंदर मौजूद है। इसका मुँह देखें कितना प्यारा है, खूबसूरत दिखाएँ इसको, वही बहुत जान है भाई इसके अंदर, जब पूरी जाल लगा रहा है। और चला चल के चलो, मम्मी सब भागना चाहे तुम्हें लेके। ओ हाँ, इसका गला खींच रहा है भाई, छोड़ो छोड़ो, इसका गला खींच रहा है वो चिल्ला रहा है। अच्छा है ना, सुनो खूबसूरत है ना, प्यार है। दुम्बे का गोश कैसा होता है सुनो, ओ भाई गला खींच रहा है भाई इसका, वो देखे वहाँ पे भी वो भी घूम रहा है भाई मज़े से। बाड़े में यही होता है भाई, आराम से मज़े से घूम रहे होते हैं। गला नहीं खींचना इसका, छोड़ दो, इसका गला ख़राब है मुझे लग रहा है भाई, गला वो हो रहा है। लाइ आओ, यहाँ से कहाँ से जाओगे, वहाँ से जाओ। अच्छा भैया, अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको बैल ना, वो अलग अलग जो जैसे कैटल्स आएंगे जिनके भी जानवर हैं उन्होंने बांधे हुए अपने, तो ये जो है ना वो माशाल्लाह आलीजा कैटल जो है ना वो लगा हुआ है, तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप भाई? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने कहा कि उस तरफ जो बंधे हुए वो तो सेल हो गए। अच्छा ये बताइए, बाड़ा जो वो पूरे साल लगा हुआ होता है? जी पूरा साल लगा हुआ होता है। ठीक है, पूरे साल लगा हुआ होता है। तो ये जो है ये अभी आए हैं और बाकी उसके अलावा जो है वो पूरे साल के लिए जो होते हैं वो कहाँ, उस साइड पर होते हैं सारे? नहीं, वो इधर भी बंधे होते हैं और अलग अलग लोग हैं ना, तो अलग अलग जी। ठीक है, अच्छा जो आप हमें बताना शुरू करें, जो आपके उसमें बंधे हुए हैं उसके क्या प्राइस है? जैसे ये है, ये कितने दाँत का है? ये दो दाँत बछड़ा है, इसके 9 लाख रुपए डिमांड है। 9 लाख डिमांड है, मतलब वज़न में कितना है? वज़न में आपको तकरीबन 7-8 मन होंगे। 7-8 मन है। और इसके बराबर में हम देख रहे हैं बच्चियाँ खड़ी हुई है, इसके क्या मांग रहे हैं आप? इसके 260। जी। और ये बड़ा प्यारा है, खूबसूरत है, बड़ी प्यारी सी है। क्या डिमांड कर रहे हैं इसको, दिखाएँ इधर आए जी। जी इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं आप? इसके 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए, दो दांत की है भी? दो दांत की है। जितने भी आपके पास यहाँ खड़े सारे दो दांत की है, इससे ज़्यादा भी है? ठीक है, अच्छा गुलाबी है। बहुत कम बछड़ियाँ आती हैं। अच्छा, ये बछड़ी है, दांतों में दो है। अच्छा। वजन है इसका माशाल्लाह से अभी तकरीबन 8 मन करास बछड़ी है। सही। ठीक है, इसके देने वाले फाइनल पैसे होंगे 7 लाख रुपए। 7 लाख दांतों में दो है। और ये जो बबलू खड़ा हुआ है ना आपके सामने, जी जी ये भी हमने देखा है इसको, ये आपने देखा है, मगर ये चीज़ है लाखों में एक सीधी टांगों का आता है, ये घेणा है छोटी नस्ल का। अच्छा अच्छा। हाँ, ये घेणे की नस्ल है और प्योर साहिवाल है, देसी बच्चा ही है। सही। ठीक है, इसकी डिमांड जो है ना, बच्चे ने आपको गलत बता दी, देना सिर्फ फाइनल 9 लाख रुपए का है, दांतों में दो दांत है ये। सही। इसका वजन का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते हैं वजन पे, किस पे गोश्त लदा पड़ा हुआ है। हाँ, मतलब माशाल्लाह हैवी है वो, हमें खुद अंदाजा नहीं हो रहा कितने मन पे है। सही। ठीक, बाकी ये बच्चियाँ खड़ी हुई है, घर की कुर्बानी की है, ये अपने नहीं पाली थी, कुर्बानी की नहीं है। आप ये कुर्बान करेंगे इस साल? कुर्बान इस साल। और बाकी जो माल जितना भी खड़ा हुआ है ये सब बेचने का माल है। ठीक है, अब आगे ये भी आपका है ना, जो आप इस तरफ आ जाओ, इस तरफ चले आए, आगे चलते हैं और दिखाते। अच्छा, ये आपकी जो घर की पली हुई है? घर की पली हुई है, मगर इसके लग रहे हैं 5 लाख रुपए, मगर इसको दूंगा नहीं, किसी भी सूरत नहीं दूंगा, अपने लिए पाला है। तो ये ली थी मैंने 80,000 रुपए की। अच्छा, ठीक है। और ये ली भी मैंने अपने छोटे भाई से थी। ठीक है, और ये माशाल्लाह ये पली है, तो इसके ऊपर भले 3 लाख रुपए खर्चा हुए हैं,
मगर ये जो चीज़ है ना ये मिलेगी नहीं माशाल्लाह, और इसके अभी मेरे को 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। मतलब आपने खिलाई पिलाई इतनी अच्छी करी उसकी, क्या बस माशाल्लाह अब सेहतमंद है। खुद उसको कुदरत ने भी उसको निखार दिया है कि माशाल्लाह जो नियत कर लो तो वो है। अच्छा ये दांत तो मैं दो है बड़ी बछड़ी, ठीक है। ये कहाँ की है? पंजाब की। ये पंजाब की है, ठीक है। इसके डिमांड है 3,20,000 रुपये, 3,20,000, और देने वाले पैसे हैं इसके 2,60,000 रुपये, 2,60,000। सही है, ठीक है। ये बछड़ी देखें, ये पंजाब है, प्योर पंजाब है, चोरिस्तानी बछड़ी है। अच्छा, सही। इसकी डिमांड है 4.5 लाख रुपये, और देने वाले पैसे होंगे इसके 3,80,000 रुपये। ये पानी में क्या ये शरपा खा रही है? शरपा टाइप का बनाते हैं बछियों के लिए। अच्छा। कि इसमें वंडा है, सारा वंडा है, नेशनल है, कोई फीट नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। अच्छा, सही। ये सीधा सीधा इसमें ये है कि इसमें इनका जो खाने की गिजा है, टुकड़ा है इसके अंदर, अट्टी है, खल है, दलिया है इसके अंदर। अच्छा, मतलब पतला वैसी दलिया, ये पतला शरपा टाइप के। सही, ठीक है। और ये बछिया खड़ी हुई, चलें दिखाएंगे वाली। ये दांतों में दो है। अच्छा, दो दांत के। हाँ, इसके मांग रहे हैं 2,30,000 रुपये, देने वाले पैसे होंगे 2,10,000 रुपये। सही, ठीक है। ये बछिया खड़ी हुई है, ये दांतों में दो है, ठीक है। इसके मांग रहे हैं 1,10,000 रुपये। सही। ये देंगे आपको 95,000 रुपये की, ठीक है। दांतों में दो है ये? सब दांतों में दो है, जितना माल लगा हुआ सारा दांतों में दो है। ये बछिया खड़ी हुई है, ये छोटी नहीं लग रही? बहुत छोटी है मगर एंटी के। अच्छा, खूबसूरत है, खूबसूरत है, सही। छोटी के पैसे है, इसके गोश्त के पैसे नहीं है। सही, हाँ, छोटी है ये बहुत। तो ये मिलेगी अल्लाह आपका भला करे 1-10 की बछड़ी, ये भी 95 की दे देंगे आपको। सही, ठीक है। अब ये काला खड़ा हुआ है हमारा, काले के मांग रहे हैं, आ जाओ बेटा, काले के मांग रहे हैं 2,80,000 रुपये, देंगे इसको 2.5 लाख रुपये का, 2.5 लाख रुपये, ठीक है। और बल्कि ये सेल हो चुका है कल, ये अच्छा 2,55,000 रुपये का गया और 20,000 रुपये इसके खिलाई लिए हमने। अच्छा, ये यहीं बंदा रहेगा मतलब अभी आपके पास, ठीक है। इसकी क्या डिमांड है आपकी? इसकी 1,10,000 रुपये डिमांड है, ये भी 95 की, जो वो भी 95 की, 3 बछियाँ 95-95 वाली, ठीक है। और ये जो छोटी बछियाँ बनी हुई ना, ये वाली और ये वाली, ये 90,000 रुपये की देंगे, दांतों में दो है। और ये बच्चियों के मांग रहे हैं 1,30,000 रुपये, इसके भी मांग रहे हैं 1,30,000 रुपये, ये देंगे 1,50,000 की 1,50,000, ठीक है। अब ये पांडे फेस में तो खड़ी। अच्छा भाई, इन्होंने अब ये खड़ी हुई है, ये बछड़ा है, ये पांडे फेस में बछड़ा है, दांतों में दो है, ठीक है। इसके खूबसूरती के पैसे हैं, इसके गोश्त के पैसे नहीं है इसके, ठीक है। जी हाँ, इसके मांग रहे हैं 2.5 लाख रुपये, देंगे इसको 2,10,000 रुपये का, ठीक है। अब ये यहाँ का माल आपका पूरा हो गया, मैं आपको बड़े माल पे ले जाऊँगा। अच्छा भाई, अब ये हमें लेके जा रहे हैं, बिल्ली मत दबा दीजिएगा। अब हमें ये लेके जा रहे हैं बड़े जानवर दिखाने के लिए, तो वो हम आपको दिखाते हैं। जी, सारा खड़ा हुआ फैंसी माल है, ठीक है। अच्छा, फैंसी माल है। जी हाँ, ये इसकी डिमांड ऐसे नहीं बता सकते, आप देख लें इधर, पसंद करें, च्वाइस करें, फिर जो मुनासिब पैसे होंगे वो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। मतलब क्योंकि जानवर है ज्यादा जी, अब जिसका भी बताते जाएंगे वो ग्राहक आ जाएगा, गलता हो जाएगा, तो वो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी टांगे छोटी नहीं आगे वाली? हाँ, ये देखें आप, दिखाएं इसको, इसकी जो आगे वाली टांगे वो छोटी हैं, ये देखें आप, लेकिन शाइनी बहुत है, हाँ बहुत ज़्यादा शाइनी। अच्छा, बहुत ज़्यादा प्यारी है इसकी टांगे, उसकी शाइनी। अच्छा, पले में, पले में बछड़े हमने खरीदे नहीं है, सब हमारे फार्म का ही माल होता है और हम देते नहीं है। आप लोग यहीं पर पालते हैं? सही, ठीक है। ये खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, चार दांत का, ये चार दांत का और गुलाबी। अच्छा, गुलाबी मतलब क्या, मतलब इसके जो ये पिंक नज़र आ रहा है इस वजह से? हाँ, ये यहाँ से भी देखे पिंक सा है, बहुत माशाल्लाह प्यारा खूबसूरत है। अच्छा है, दो दांत है ये भी? नहीं, ये इसमें चार भी है। अच्छा, सही, ये भी प्यारा है। अच्छा, अगर लोग लेके यहीं पे आपके पास बंधवा दें जब तक कुर्बानी का सिलसिला है, ठीक है। ये प्यारे है, इसकी दुम भी प्यारी है, ये अच्छा है बहुत। खाने के टाइम फ़ौरन देखते हुए कौन डिस्टर्ब करने आ गया हमें, ये देखें, सुने, ये बहुत प्यारा है, खूबसूरत है, पंजाब है, प्योर चोलिस्तानी बछड़ा है। अच्छा है, खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। इसकी डिमांड मैं आपको बता देता हूँ जी, कि आप लोग जो है ना दिल मायूस ना हो, मैं आपको बुलाने के नहीं है कि इसकी जो है ना जी फाइनल अगर ये आप लोगे ना मेरे से, तो मैं 5,20,000 रुपये का दे दूँगा, 8 लाख का भी ला के दिखाओ मेरे को। 5,20,000 पे इन्होंने डिमांड है इसकी, और इसके देंगे। और 8 लाख का ला के दिखाओ उसको। अच्छा, मतलब कि आप कम रेट, मुनासिब रेट में दे रहे हैं, सही। और दांत कितने इसके? दांत इसके चार है, चार दांत है, खूबसूरत है, प्यारा है। अच्छा, सारे आपके पले में इसलिए मार नहीं रहे, बिल्कुल सुकून में कोई भी, और बहुत खूबसूरत है।
ये बहुत प्यारा है, खूबसूरत है। मारेगा तो नहीं? नहीं मार रहा। उसने उसका टक्कर मारी। ये अच्छे खूबसूरत है, जो हमने पाली है ना। ये देखें इन्होंने बच्चिया भाई जो पाली है दिखा रहे हैं वो। वाओ, अच्छा। ये दांतों में अभी चार हुई है, ये बेची है मैंने 12 लाख रुपए की। बेच दिया आपने? बेच दिए मैंने। ठीक है ठीक है, बस बस बस। अच्छा, शाइनिंग इतनी है। हाँ, बहुत खूबसूरत शाइनिंग है इसकी। ये है कि इसको दही तेल मक्खन सब खिलाते हैं। अच्छा हाँ, ये इनकी जो खालों में मतलब शाइनिंग आती है, इसकी वजह से। यही है कि ये वनडे वाला माल है, नेचुरल वाला माल है, कि इसमें कोई मिलावट नहीं है, फीड मिट कुछ नहीं है इनको। मतलब आपको अलग से खुराक खिलाना पड़ता है? अलग से खुराक देना पड़ती है, और इसकी फीड जो होती है ना, तो ये दही तेल पे ही बनते हैं, उसके बगैर नहीं बनेंगे जानवर आपके। अच्छा, और अगर लेके जाते हैं तो फिर इनको खुराक यही खिलानी पड़ती है? आपको खुराक देने की, अब इसको तेल दही की जरूरत नहीं है। मतलब ठीक है भाई, ये पल गया जो देना था दे दिया इसको। अब ये बछड़ी देखिए, मैं आपको दिखाऊँ, ये कल सेल कर दिया। अच्छा भाई, अब आगे चलते हैं, सेल कर दिए। वाह, भी क्या होगा। हाँ वाकई क्या होगा, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, दूर से बहुत खूबसूरत है ये। माशाल्लाह, अल्लाह पाक की तारीफ है ये। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी तारीफ करें अल्लाह पाक की कम है। बहुत प्यारी है, और बहुत मतलब वाइट कलर बहुत ज़्यादा है, खूबसूरत है ये। देखिए इसका मुंह देखिए, ये चोलिस्तानी बछड़ी है। सही, ये वाली। अगर आप मेरे पास आएंगे जी, तो ये 12 लाख रुपये इसकी डिमांड है। 12 लाख डिमांड, 12 लाख रुपए, मैं आपको 7 लाख रुपए में दे दूंगा। जाओ, और कितने दांत? दांतों में 6 है ये। वजन के अंदर होगी 9 मन। 9 मन लग भी रही है माशाल्लाह से, बहुत वजन है इसका। ये सारी गुलाबी बछड़ियाँ हमारी लगी हुई। तो मेरे ख्याल से जब आप लोग डिमांड करते तो सही करते, जब आप इन्हें दही मक्खन और ये सब चीज़ें खिला रहे हैं तो आपने मेहनत भी तो इतनी की होती है। ये बछड़ियाँ मैंने 8-8 महीने 9-9 महीने अपने पास पाली हैं। सही, ये कल मैंने भाई को दी अपने छोटे को। अच्छा, ठीक है, मगर फिर भी मैं इसको बेचने का पूरा हक रखता हूँ कि मैं बेच सकता हूँ इसको, और मुनासिब पैसों में दूंगा आपको। सही, इसकी डिमांड है 9 लाख रुपए। सही, दूंगा मैं इसको 7 लाख रुपए। 7 लाख गुलाबी बछड़ी है, ये दरवेश है, इसका नाम मैंने दरवेश रखा हुआ। दरवेश क्यों रखा आपने इसका नाम? दरवेश इसलिए रखा है, ये बेचारी बहुत सीधी बछड़ी। अच्छा, सीधी है कि बस अल्लाह पाक, बहुत सीधी बछड़ी है ये। अच्छा, इसका यूँ दरवेश नाम, मासूम सी होगी बहुत, कि खाने में भी अच्छी है और बहुत मासूम है, परेशान नहीं करती है। सही, अच्छा, आपको जानवर परेशान करते हैं वैसे खाने पीने में? लाजमी करेंगे, मगर अपने हिसाब से सब देखना पड़ता है, इनको बच्चों की तरह ही पालना पड़ता है। ठीक, कोई ऐसा होता है बहुत जिद्दी निकल गया हो भाई? वो जिद्दी तो है ना इसमें, वो खड़ा हुआ बबलू जो आपको मैंने दिखाया था, वो बबलू किसी के काबू में नहीं आता है। अच्छा, सिर्फ मैं ही उसको संभाल सकता हूँ, मेरे अलावा मेरा कोई बंदा भी उसको नहीं संभाल सकता। तंग करता है मतलब, जो लेके जाएगा वो खुशनसीब है जो उसको लेके जाएगा, मगर करेगा मारेगा किसी को भी कुछ नहीं, मगर खुश रहने वाला बच्चा है, रोटी खाने वाला बच्चा है वो। रोटी वगैरह घर की रोटी वगैरह खा लेते हैं। देख रहे हैं आप चोलिस्तानी बछड़ी। सही, ठीक है, डिमांड है इसकी 8 लाख रुपए, देऊंगा मैं आपको 5.5 लाख रुपए में दे दूंगा। ऐसी बछड़ी आप ढूंढ के लाएं, और जैसे मैं आपको रेट दे रहा हूँ, इसके अलावा रेट कोई भी पूरी मंडी में आप ढूंढते रहे नहीं मिलेगा। नहीं मिलेंगे, सही, ठीक है जी। अच्छा, सबसे कम रेट वाली कौन सी है अभी आपके पास? वो जो आपने अभी आपने दिखाया था चलने वाला माल, वो भी हमने इसलिए रखा हुआ है कि रूलिंग चले। बिल्कुल, कि चलो जो मुस्तैक है उनको वो माल मिल जाए। हम ज़्यादा नहीं कमा रहे, हम रुपए में 10 पाई कमा लेंगे ना तो हमारे टोटल पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा काम है बड़ा। ठीक है, वो हमने यूँ ला के रखा है जो मुस्तहिक है उनको मिले, कि जिनका हक है उनको मिले, कि जो बैठे हुए हैं ना कसाई बड़े बड़े के 90,000 की चीज़ें 1.5 लाख रुपए की दे रहे हैं तो वो नाजायज़ कर रहे हैं। समझे, इसमें कुर्बानी का माल है, आप 10 पाई कमा लो तो अल्लाह पाक इसी में बरकत डाल देगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसलिए मुनासिब पैसे रखे हुए, जिसका आना हो शाहिद भाई नाम है मेरा, कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको दे देता हूँ, 0343-23-41-598। सही है, आली जहाँ भाई मेरा भाई है, और ये कैटल फार्म हम दोनों मिल के चला रहे हैं भाई। ठीक है, हाँ, तो बस यही है, आप जो भी आएगा मेरे पास आएँ, मुतमईन होके आएँ, माल खड़ा करके भी चले जाएंगे बच्ची अपनी, तो आपको वैसी और अच्छी करके देंगे मस्जिद आपको। ठीक है, अच्छा, ये जो दुम्बा हम देख रहे हैं पीछे, ये सेल का है? कुर्बानी का है। आपका है? नहीं, ये है हमारा ही, मगर ये मेरे छोटे भाई का है, कुर्बानी के नहीं रखा हुआ। मतलब ये सरगोदा है? अलीजा भाई का? नहीं नहीं, सरगो ये आसका है। अच्छा, ये है बहुत मतलब माशाल्लाह, मारता वारता तो नहीं है? नहीं नहीं, मारेगा। मारेगा ना, इसकी शक्ल से लग रहा है मुझे। मैं इसकी शक्ल से पहचान लिया, ये मारेगा। ये देखे इसे गुस्सा आ रहा है, कान बड़े अच्छे हैं इसके, बड़े बड़े कान है इसके, और बहुत खूबसूरत है। ये घेणी देखो आप, ये घेणी खड़ी है माशाल्लाह। पीसम करीब नहीं आ रहा भाई, मारेगा ये। ये देखो पीछे के आगे आ रहे हैं। अच्छा, ये भी अच्छी है, सेल हो गई है मगर। अच्छा, कितने भी सेल हुई है? ये सेल की मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये सेल हुई 2 महीने पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। हमने 60,000 रुपए लिए। अभी शादी खड़ी हुई हमारी, तो इसको हमको बेचना नहीं है अगले साल के लिए, फिर तैयार करेंगे इसको माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, ये जो कुछ है इनमें का बीमारी आई थी पिछले साल का था, तो अभी सही हो गए?
हाँ ये पिछले साल नहीं काटे, बंद कर दे। मैं बना रही हूँ अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये कहाँ की है और कितनी डिमांड है इसकी? ये पंजाब ब्रीड है और इसकी डिमांड जो है वो हम तीन की कर रहे हैं। तीन की कर रहे हैं और दो दांत है ये? चार दांत है। चार दांत है, ठीक है। और आगे भी आप बताते जाए मुझे कि कौन कौन से और जो है ना वो, क्योंकि मुझे तो इतना ये प्यारा है, खूबसूरत है, ये प्यारी है, कि इसकी क्या डिमांड करें आप? ये मिलेगी डिमांड नहीं आपके चैनल के, उससे मिल जो जाएगी ये 280 की मिल जाएगी। 280 मिल गई। कितनी डिमांड? डिमांड जो है इसकी वो 3.5 की है। 3.5 की है। दो दांत है भी? दो दांत। और इसका कितना कितना वज़न होगा इसका? ये वज़न में 4.5 से 5 में। अच्छा ये बताएं कि घर जाने के बाद जैसे हम लेके जाते हैं और कोई भी लेके जाता है तो ये वज़न गिराती हैं अपना? नहीं नहीं, फिलाई पिलाई के ऊपर होता है, परेशान करेंगी तो वज़न गिराएंगी, खाना पीना छोड़ेंगी तो वज़न गिराएंगी। सही, मतलब जगह चेंज होने से तो कोई मसला नहीं, नहीं, नहीं कोई इशू नहीं होता, कोई ठीक है। अच्छा ये बताइए यहाँ पर सबसे कम कौन सा है रेट जिसका सबसे ज़्यादा कम? इसमें अभी बच्चे ने आपको दिखाया है वो सामने खड़ा हुआ है, वो तो बहुत प्यारा है, बड़ा मासूम सा है वो तो, ये जो खोल रहे हैं अभी वो जी, हाँ ये इसके ये बहुत प्यारा है और मासूम भी बहुत है। ये फाइनली ये 180 का पड़ गया, 180 का। सही है, अच्छा है, खूबसूरत है, अभी आपने देखा है हम लोग इसको टहला भी रहता है, बहुत प्यारा है और बड़ा ज़बरदस्त है भाई ये वाला। 180 में मिल जाएगा। अच्छा है ये, है ना? अच्छा है ये, बहुत प्यारा है। अच्छा ये जो बछड़े हैं ये बंद किया आपने? अच्छा इनका बताइए जो ब्लैक वाले हैं इनकी क्या डिमांड कर रहे हैं आप? डिमांड तो इसकी 3.5 की है, मगर ये देना है 270 का। 270 में, ठीक है। दो दांत हैं सब? ये चार दांत हैं। चार दांत और ये इसके बराबर में जो खड़ा हुआ है? इसके बराबर में जो है ये दो दांत है, ठीक। और डिमांड इसकी 3.10 की है, मगर 250 का फाइनल देना है। 250 का फाइनल। अगर आगे भी जो है मतलब जितने भी हैं आपके पास अभी सब जो है वो 2-3 इस तरह 2+ है, 2+ चल रहे हैं, और हम जो है ना आपको दिखा देते हैं आगे, बस एक सर्वे करवा देते हैं कि जितने भी बंदे हुए वो बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत है और अच्छे। ये इसके बताइएगा, ये अच्छा है, इसके बताइएगा। ये 320 का बनेगा। 320 का बनेगा। और इसके कितने दांत हैं? चार दांत का है और माशाल्लाह भारी है ना, अच्छा है वज़न में, अच्छा है, ये भी अच्छी है, ये भी वज़न में भारी है, सुन ये भी अच्छा है। 320 नहीं, बैल है, बच्चा है, बैल है, ये दाजल है, दाजल है ये। और इसके क्या मांग रहे हैं आप, क्या डिमांड कर रहे हैं? ये फाइनली 320 का बनेगा। अच्छा इसे दाजल क्यों कहते हैं, ये मेरा सवाल है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। दाजल वो एक जगह होती है, वो इसलिए दाजल बोलते हैं। दाजल का ये, दाजल का है। अच्छा इसका शक्ल देख के लग रहा है बहुत गुस्से वाला है ये, गुस्से वाला है ये, लेकिन लग रहा है ऐसे कि बहुत गुस्सा करेगा। वो देखो भाग रही है भाई, छन छन की आवाज़ अच्छी होती है ना, छन छन चल चलती है। आ जाओ, ये 350 का है, आ जाओ भाग के आ जाओ। अच्छा है ये, निज़म प्यार करो, इसको पाँव नहीं दबाना, मार देना। इसका कलर वैसा है सुने, मट्टी मट्टी वाला जो होता है ना वैसा है, मट्टी मट्टी का है भाई। मीसम को वो शौक हो रहा था बैल घुमाने का, और मीसम मीसम आगे लेके जाए, वहाँ से घुमा के लाए, वहाँ से उधर नहीं लेके जाए, इधर लेके आए वापस, हाँ इधर से लेके जाए, ऐसे यूँ राउंड घुमा के लाइएगा, जाए जाए लेके, रस्सी करीब करो, रस्सी करीब से पकड़े, हाँ बस अब लेके जाए आगे से लेकर आओ। बच्चों को सुनने ज़्यादा शौक हो जाता है ना, ये देखें घुमा रहा है भाई मज़े से, आराम आराम से, भगाओ नहीं, आराम से, मज़ा आ रहा है मिसम है, ये ले जाते हैं, ये तो बहुत मासूम है, ले जाए घर ले जाए, हाँ अच्छा घर लेके चले जी, तो कुछ कह भी नहीं, आपका दोस्त बन जाएगा ये तो, बन गया दोस्त, बन गया। हाँ इसके भी आंसू आ रहे हैं सुने, गीली हो रही है इसकी रस्सी, आओ चले आ जाओ।
जो है ना ये दुम्बा बहुत ही खूबसूरत और प्यारा है और जो है ना बड़े भाई साफ़ सुथरा है, बहुत प्यारा सा है, बहुत नरम है। और आगे भी दिखाती हूँ मैं आपको, वाइट कलर के दुम्बे बने हुए हैं, बहुत प्यारे वो भी। उनकी दुम की भी कटिंग बहुत प्यारी हुई हुई है, ये देखें ये बहुत प्यारे हुए हुए। ओहो टांग फंस गई इसकी, मिसम निकाल दो। ओहो हो हो मिसम आराम से। अरे भाई इसकी टांग फंस गई है, इसकी टांग फंसी हुई है। ओ भाई इसकी टांग फंस गई है, आप निकाल दें। सुने निकल गई। ओहो हो भाई इसकी टांग फंस गई थी, ये निकल गई इनकी टांग। अच्छा अक्सर जो है ना हम लोग घर में भी जब बकरे या दुम्बे लाते तो वो यही करते हैं, क्योंकि जो टांग है ना वो ये वो फंसा लेते हैं अपनी। और ये भी बहुत प्यारे हैं, ग्रे कलर का पिछले साल वो भी है। इनकी क्या मांग रहे हैं भाई आप? 70,000 की। अच्छा और सही, और वो 65 की। वो छोटे हैं या दोनों सब बराबर है? मतलब कुर्बानी के लिए दो दांत है? नहीं ये 6-6 महीने 8-8 महीने तो कुर्बानी हो सकती है इनकी। अच्छा सही है, ठीक है। और जो है ना देखे बड़ा साफ सुथरे है भाई ये दुम्बे। और ये वाला इसका मुंह दिखाए फोकस करके, बहुत प्यारा है। देखे इसके मुंह पे बड़ी खूबसूरती है, बहुत प्यारा है ये। देखे खूबसूरत दूसरा वाला है। हाँ ये खुल सकता है क्या एक वो वाला? कल अभी हम आपको खोल के दिखाते हैं भी दिखाए इन्होंने। और देख मुनासिब है क्योंकि देखें हम यही बोलते हैं कि इतनी महंगाई है, लेकिन पूरा साल ये भी पालते हैं, इनको खिलाना पिलाना बिल्कुल, इन पे ख़र्चा करना, तो जो डिमांड होती है वो सही होती है। बार्गेनिंग तो हो ही जाती है, होते ये लोग कम करवाते हैं फिर जो है ना वो आगे पीछे तो पैसे हो ही जाते हैं, लेकिन जो है यहाँ पर जो है ना बहुत हैवी और अच्छे बड़े जानवर थे। लेकिन सबसे बड़ा ये देखें आप, इफ़ी सिब्बी का है ये? नहीं सिब्बी का नहीं, पंजाब का। ये पंजाब है? ओ अंकल से पूछ रही हूँ मैं, वो कहाँ गए? है ना पंजाब का ही ना, ये पंजाब का है भाई, बहुत बड़ा है ये। उसके सींग दिखाती हूँ मैं आपको, निसम ज़रा दूर होके चलो, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी आँखें देखें। ये देखें इसने ना नशा कर लिया मुझे लग रहा है। ओए होए ऐसी हो रही है सारी मारने वाली। मैं दिखाती हूँ आपको एक के सींग, बहुत ख़तरनाक सींग हुए हैं वो उसके। ये देखें इसके सींग देखें आप, इतने नोकीले और इतने बड़े हैं इसके सींग। ये देखें, हेलो हाय वही सींग देख रहे, इतना ख़तरनाक सींग है ये, तो किसी के भी सुने पेट में घुस जाए है ना, बिल्कुल ख़तरनाक है। सुने ये सिंध का ही है? हाँ शक्ल से ही बता रहा है। हेलो ये भी सिंध की है? सिंध क्या है इनको मसले? ये भी सिंध की है। वो वाली जो है ना वो इसके सींग देखें बस आप, बड़े कोई नोकीले और बड़े ख़तरनाक हैं इसके सींग। ओहो हो 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 हाँ उड़ा देगा भाई ये तो किसी को भी। ये देखें सारी जो है ना यहाँ पर बंधे हुए हैं, सारे ही जानवर बंधे हुए हैं, खूबसूरत और प्यारे हैं। ओ ये क्यूट दुम्बे बंधे हुए अंदर, ये बंधी हुई वो देखें कितने खूबसूरत दुम्बे हैं अंदर, बहुत प्यारे दुम्बे बंधे हुए। ये देखें बोल भी रहे हैं, बोला दुम्बे का बच्चा वो भी मार रही है भाई। ये देखें नहीं मारो, और भी दिखाती हूँ। इनको क्या मसले होते हैं इतना मारती हैं ये? सुने ये वाले देखे प्यारे अच्छे और खूबसूरत हैं सारे। ये देखें अंदर देखिए मुझे कितना बड़ा बैल खड़ा है। ने वाली है छोटी छोटी सी जो है के कितने दो दांत हो गई है? होने वाली है, होने वाली है। तो जिप मतलब अभी अगर अभी लेके जाएंगे तो जिप कर सकते हैं इसको? अब अच्छा डर नहीं लगता? नहीं डर नहीं लगता। वो देखे वो भगा रही थी आपको, डर नहीं लग रहा था? वो लेके भाग जाती फिर जख्मी हुए किसी ने मारा? ऐसे 2-3 मरतब हुआ है, हुए ना टक्कर मारी तो फिर क्या क्या चोट लगी टांगों में। अभी आपको भगा रही थी, अगर भगाती भी ले जाती फिर क्या है? हमारा तो काम ही यही है, संभाल लेते वैसे आराम से। हाँ ये मैं देख रही थी भाई इनको भगाती हुई जो। लेकिन अच्छा ये बकरा जो इसके सींग नजर आ रही है, अभी पिकने का है? नहीं घर का है, घर का है। ये देखे इसके सींग देखे, चली जाऊँ यहाँ से? कोई मारेगा तो नहीं मुझे? मारोगे तो नहीं? अरे इसको देखे आप, इसके सींग देखें, वो खड़ा हो गया भाई, खड़ा हो गया। हेलो इसके सींग देखें आप कितने क्यूट। ये मारेगा क्या हुआ? ये इसकी शक्ल देखना आप, ये मारने वाला है भाई बहुत। ये देखें और ये अच्छा है, ये भाई इसके करीब नहीं जाने दे रहा मुझे, टक्कर मारेगा यहाँ से। इसके सींग देखें छोटा सा क्यूट सा। हेलो कैसे देख रहा है कैमरे में, कैसे हैं आप लोग? अच्छा कैसे
खुशबू तो बेहतरीन ज़बरदस्त लगती है यहाँ की। और जैसे बछड़े करे में चीना खड़ा हुआ है, कबरा खड़ा हुआ है, सही है। और यहाँ पर इस फार्म में वैसे वैरायटी बहुत है, बहुत वैरायटी है, और बछियाँ कम से कम से लेके ज़्यादा से ज़्यादा तक जो है तमाम चीज़ें। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर्स को और जो देखने वाले हैं कि भाई हमें कितना सपोर्ट करें, हम बड़ी मेहनत करके भाई बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, बहुत कोशिशें कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग। स्पेशली ये जो ईद उल अज़हा का जो महीना है, इसमें कुर्बानी का, इसमें हम लोग जगह जगह जा रहे हैं और ये फैसिलिटेट कर रहे हैं आप लोगों के। जैसे मंडी दूर चली गई है तो जो सराउंडिंग में जो एरियाज़ हैं उसमें जो वो लगते हैं, मंडी लगता है, बाड़ा लगता है, तो उस वजह से हम लोग ये वीडियोस बना रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, और मज़ीद हमें बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सब्सक्राइबर की, सब्सक्राइब की और लाइक करने की, कमेंट्स करने की, ये सब कुछ आप लोग करें। और अंदर भी आपको दिखाते हैं क्या करने आए, आ जाएँ आपको और भी दिखाते हैं जानवर। कितना अच्छा माहौल लग रहा है, बहुत अच्छा, बिल्कुल गांव जैसा माहौल है, गांव जैसा माहौल है। और ये देखिए जायंट, देखें जायंट। ये जायंट है, बहुत बड़े हैं ये तो, अंधेरा हो गया थोड़ा। क्या क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी, आमिर भाई को बुलाओ जरा भाई। आमिर भाई बोल रहे थे कि मैं कैमरे में नहीं आऊँगा तो हम ऐसे दिखा देते हैं माशाल्लाह, लेकिन बहुत हैवी जानवर, बहुत हैवी जानवर, सारे जानवर हैवी हैं, अंदर बहुत जबरदस्त जगह मिल रही है, ये बेहतरीन हैवी जानवर है ये। ओहो, ये तो हिल भी नहीं सकते, हिल भी नहीं सकते, आग पड़ेगी हम लोग। मेरा माइक भी गिरा दिया उन्होंने तो। और ये देखें आप, ये है पंजाब यार, ये देखें, ये देखें, ये देखें, अलग ही लुक है इसका। ये कौन सी नस्ल है, ये सभी नस्ल है। देखें आप करीब नया, मुझे डर लगा, ये बहुत खतरनाक है, देखा आपने, बहुत खतरनाक है भाई। ये देखें, और इस तरफ भी है, दिखाते हैं इधर, आप जाएं दिखाएं, ये देखें, ये है, ये भी हैवी है, ये भी जरा जबरदस्त पंजाब जानवर है। ओ माय गॉड, मतलब पीछे दूर हो जाओ, ये पीछे हट जाओ, मुझे अकेले खाने दो। हाँ भाई आज परेशान हो रहे हैं, और भी दिखाते हैं आपको, लेकिन सुने अच्छे और खूबसूरत हैं सब, है ना। हाँ सब खूबसूरत हैं, देखें ये बछिया है, ये भी बछिया है, ये भी बछिया है, लेकिन अंदर ज़्यादा नहीं बने हुए लाइन से तरीके से। वो दरअसल वो ओपन एरिया था, ये दरअसल स्ट्रेट अवे में लिया हुआ है, तो लाइन से इस तरफ बांधा हुआ है और उस तरफ बांधा हुआ है। हाँ, बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े, बहुत अच्छे अच्छे बंदे हुए यहाँ पर। ये देखिए वो, ये सब क्यों इतने छीक रहे हैं, और ये वो गुस्सा दिखा रहे थे ना, ये सब, ये वाली लाइन दिखाती हूँ मैं आपको पहले, फिर वो वाली दिखाऊंगा। हैवी जानवर है, सारे हैवी जानवर है, सर्विस हैवी हैवी। बकरी भी है और बकरा है, दुम्बे का बच्चा भी है, बकरी अच्छी है सुनिए। तीन मन, ओए मैं तो इधर नहीं जा सकती भैया, स्पेस बहुत कम है। ओ देखे नीचे छुपी हुई है, हेलो, क्या गया भाई, आ गया ये, बहुत ये बहुत प्यारा है, ये देखिए पीछे प्यारे के चक्कर में मुझे बेल टकरना मार दे। आप रोज आते हो यहाँ पे, मासूम है मार है, आप रोज आते हो यहाँ पे, है रोज आते हो, क्या रोज आने में मजा आता है आपको? हाँ रोज आने में मजा आता है, बकरे जैसे हो जाओगे रोज आके। आपको पता है मैं इसलिए आता हूँ, मैं ना, मेरा एक दोस्त है, मैं उसके साथ ना रेस करता हूँ, हर रोज रेस, यहाँ पे रेस करते हैं वो यहाँ पे। अच्छा भाई यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ज़्यादा करीब करते टक्कर पड़ेगी। जानवर है भाई, कुछ भरोसा भी नहीं है, लेकिन बड़ा एहतियात लाजमी है। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये यहीं पर सोते होंगे बेचारे? हाँ ये यहीं पर सोते हैं, जो यहाँ के जो लुक आफ्टर करते हैं वहीं सोते हैं। तो ये देखो कितना खूबसूरत ब्लैक, ये बच्चिया देखो, ब्लैक ही शाइन, ब्लैक ही शाइन। हाँ वो तो है, बारिश तो आती होगी, सिक्योर कर ले पानी, ऐसे बारिश तो छपड़े बनाए हुए हैं, तुमने छपड़े इस तरह बनाए हुए, बिल्कुल गांव जैसा एनवायरनमेंट है भाई, बहुत लंबा चल रहा है, और ये यहाँ से यहाँ पे खत्म हो गया है, वो वहाँ तक जा रहा है, बहुत सारी है, ये देखें मैं वहाँ नहीं जा रहा रेस ले सकती क्योंकि बछड़ा, ये बहुत प्यारा है, ये इसका कलर बहुत अच्छा है, ये देखें ये बछड़ा बहुत अच्छा है, मैं दिखाता हूं, आप दिखाएं, मैं दिखा रही हूं आपको, आप दिखाएं करीब से, आइए भाई दिखाएं, इसको देखते हैं
मार ना रहा हो बस कहीं कहीं। हाँ भाई क्या हाल है? नहीं नहीं सही है, सही है, धूम मिला रहा है बस ये। अरे मुझे बड़ी जबरदस्त धूम पड़ी थी अभी। हाँ ये भी बड़ा अच्छा बछड़ा है, ये भी बछड़ा अच्छा है, बछड़ा अच्छा है, सारे जानवर अच्छे हैं, सारे जानवर अच्छे खूबसूरत है, खूबसूरत भी है, हैवी है इसलिए। और बकरा भी आ गया भाई। हाँ ये छोटा है, इसे कान वाइट है। हाँ वाइट था। तो नहीं है जो बड़ों के वो क्या बोल जाते हैं, नुकरा? नहीं नुकरा नहीं, इसको क्या बोल लेते हैं, गुलाबी, गुलाबी गुलाबी बच्चा वो बन जाते हैं। ये बकरे जो है ना नियत्ते हर जगह पे जो है गाय बकरों गायों का खाना खाने बैठे थे वो है दुम्बे, दुम्बे है। और ये बेचारे बने ये के सोते इनकी रखवाली की वजह से मैं यहाँ से निकल रही हूँ, डर लग रहा है आप देख रहे हैं। चलो 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 इसका व्लॉग यकीनन पसंद आया होगा और सारे व्लॉग्स ही अच्छे लग रहे होंगे। ये इतनी मेहनत जो है वो सिर्फ आप लोगों के लिए हो रही है ताकि आप लोग देख सकें, पसंद करें और मुझे सपोर्ट करें। और मुझे बहुत आगे जाना है, जब तक नहीं जा सकती जब तक आप लोग जो है वो मेरा साथ नहीं देंगे। जिस तरह वही कहूँगी मेरी फैमिली मेरा साथ दे रही है, मेरे हस्बैंड मेरा साथ दे रहे हैं, इस तरह आप लोगों ने भी साथ देना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा और बैल कैसे लगे। अगर आप कराची में रहते हैं तो यहाँ आके विज़िट करें, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे मुनासिब रेट में भी हैं और बच्चों को भी लेकर आ सकते हैं। बड़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, शाद रहे आबाद रहे अपने प्यारों के साथ। इंशाल्लाह कल नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।